दिल्ली में हो रही G20 समिट के लिए विदेशी मेहमान आने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सबसे सुरक्षित कार बीस्ट में सफर करेंगे। बाइडेन और उनके साथ अमेरिका से आने वाले प्रतिनिधि दिल्ली के ITC मौर्य होटल में ठहरेंगे। इस होटल में ठहरने वाले बाइडेन इकलौते विदेशी मेहमान हैं। इस होटल में 400 कमरे बुक किए गए हैं। भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को 3 लेयर की सिक्योरिटी दी जाएगी। पहले घेरे में अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के एजेंट रहेंगे, इसके बाद SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज और तीसरे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माने जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी सबसे सख्त होती है। अगर राष्ट्रपति अकेले रहना भी चाहें, तो भी उनके आदेश को माना नहीं जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरफोर्स वन विमान से भारत आए हैं। एयरफोर्स वन दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान में से एक है। इसे मिलिट्री विमान की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इस पर किसी भी तरह के हवाई हमले का असर नहीं होता है। ये विमान न सिर्फ दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, बल्कि इससे मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। इस विमान में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स वन एक तरह से मिनी व्हाइट हाउस की तरह काम करता है। इसमें वो सारी सुविधाएं होती हैं, जो राष्ट्रपति भवन में होती है। इसमें एक कम्युनिकेशन सेंटर भी होता है, जिससे राष्ट्रपति जब चाहें, जिससे चाहें फोन पर बात कर सकते हैं। एयरफोर्स वन में 3 फ्लोर होते हैं और इसका कुल एरिया 4000 वर्ग फीट होता है। इसमें राष्ट्रपति के लिए स्वीट होता है। इसमें 2 किचन भी होते हैं, जिसमें एक बार में 100 लोगों का खाना बन सकता है। साथ ही इसमें प्रेस, सिक्योरिटी स्टाफ, ऑफिस स्टाफ और VIP के लिए कमरे भी बने होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी लिमोजिन कार में ही सफर करते हैं। इसे बीस्ट नाम दिया गया है। इस कार को अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स ने तैयार किया है। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। इस कार का वजन 20,000 पाउंड यानी करीब 10,000 किलो होता है। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास होती है। ये कार इतनी सुरक्षित है कि इस पर न्यूक्लियर अटैक और केमिकल अटैक तक का असर नहीं होता। इस कार में मशीन गन, टियर गैस सिस्टम, फायर फाइटिंग और नाइट विजन कैमरा जैसे इक्विपमेंट होते हैं। जरूरत पड़ने पर कार से दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक लेदर बैग लिए सेना का अफसर होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट के पास इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी होता है। इस ब्रीफकेस को फुटबॉल कहते हैं। इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल और लॉन्च करने का कोड होता है। राष्ट्रपति जहां कहीं भी जाते हैं, उनके साथ ये ब्रीफकेस हमेशा रहता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या युद्ध जैसी स्थिति हो, तो राष्ट्रपति दुनिया में कहीं से भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं।